नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे, मणिपुर के लोगों की हालत अभी भी नहीं सुधरी, ऐसे में कैसे देंगे वोट। फिर हम जानेंगे दिल्ली में कैसे सीबीआई ने छापेमारी कर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही बात करेंगे जाँच में गए पुलिस अधिकारी पर क्यों और किसने की हमला हुआ। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे रमजान की वजह से मुस्लिम नेताओं ने किस तरह बदली चुनाव की रणनीति। आगे की खबर जानने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। त्रिपुरा में कांग्रेस ने लोकसभा प्रचार के लिए लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 40 नेताओं के नाम शामिल है। खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत कई बड़े नेताओं को जगह मिली। नक्सली मुठभेड़ को जवानों ने 13 नक्सलियों को ढेर किया था, वहीं मोदी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नक्सल विरोधी अभियान के खिलाफ भी बड़ा संदेश देंगे। जातीय समीकरण के 3 सूत्र, आबादी की बहुलता, सामाजिक प्रभाव और तीसरा कोण यानी अतिरिक्त वोट जुगाड़ने की रणनीति हर कोई अपनाने में लगे हैं। बिग बॉस और TT2 के विनर एल्विश यादव पे लगे संगीन आरोप, नोएडा पुलिस ने दाखिल की 1200 पन्नों की चार्जशीट। जयपुर लाया गया बांग्लादेशी युवक को किसी किडनी निकालने के मामले को लेकर जयपुर कमिश्नरेट पुलिस हुई अलर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी, कहा देश की सबसे पसंदीदा पार्टी बीजेपी है। चहल ने कहा कि हमारी नजर विराट कोहली को पहले आउट करने पर होगी, दरअसल युजवेंद्र चहल RCB को हराने के उपाय में लगे हैं। ईरान ने इसराइल को एयर स्ट्राइक का बदला लेने की कसम खाई है, इसलिए अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध के मद्देनजर रखते हुए अमेरिका में जारी किया हाई अलर्ट। दी गार्डियन का दावा, मोदी सरकार ने एजेंसियों को दूसरे देशों में बैठे आतंकवादियों को हिंदुस्तान के दुश्मनों को खत्म करने की खुली छूट दे दी है। माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा दावा, चीन AI जनरेटेड कंटेंट का उपयोग करके भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया में आगामी चुनावों पर प्रकाश डाल सकती है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबरों की। मणिपुर में हिंसा और लड़ाई को 1 साल होने वाला है, सरकार अब तक इसे नहीं रोक पाई। लोग बोले, हम लोग डर कर जीते हैं, परिवार को साथ नहीं रख पा रहे, बच्चों की पढ़ाई रुक गई है, बिजनेस ठप है, कमाई की बात तो क्या करूं, हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, हर हाल में जी लेंगे, बस सरकार शांति करवा दे, जान बचे तो वोट देने के बारे में सोचे, तलवार बंदूकें लेकर सो रहे हैं लोग, बोले खाने को नहीं चुनाव से क्या होगा। मणिपुर के आखिरी गांव में मोरे में रहने वाले केशव तमिल कम्युनिटी से हैं। म्यांमार बॉर्डर से सटा मोरी गांव कभी टूरिस्ट से भरा रहता था, अब सिर्फ सन्नाटा है, जले घर हैं, हर तरफ हिंसा के निशान। 11 महीनों में मणिपुर में मर्डर, रेप, गैंग रेप की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 4000 से ज्यादा घर जला दिए गए, 70,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा। हालात ऐसे हैं कि लापता लोगों की अब तक लाशें मिल रही हैं। मानव तस्करी के मामले में दिल्ली के केशवपुरम इलाके में सीबीआई की रेड जारी है। शुक्रवार से ही यहां सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। रेड के दौरान सीबीआई की टीम ने एक घर से 2 नवजात शिशु को बरामद किया है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इस मामले में सीबीआई ने 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू करके खरीद फरोख्त करने वाले कुछ लोगों को दिल्ली NCR से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में अस्पताल के वार्ड बॉय समेत कुछ महिला और पुरुष शामिल हैं। शुरुआती जांच में मामला नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का लग रहा है। फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले में बच्चों को बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति से पूछताछ भी कर रही है। रेड के दौरान केशवपुरम थाने की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि मानव तस्करी करने वाले इस गैंग के लोग अस्पताल से नवजात बच्चों की चोरी करते हैं। NIA ने दावा किया है कि 2 व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाते समय उन पर हमला किया गया। NIA के अधिकारी इलाके में हुए विस्फोट की जांच के लिए भूपति नगर गए थे, जब NIA 2 लोगों को पकड़ कर ले जा रही थी, उसी समय ग्रामीणों ने दोनों की रिहाई की मांग करते हुए NIA की गाड़ी को घेर लिया, कार पर हमला कर दिया। खबर है कि NIA के 2 अधिकारियों को मामूली चोट लगी है। संदेश खाली में ED टीम को निशाना बनाए जाने के बाद अब पूर्व मोदिनीपुर के भूपति नगर में केंद्रीय एजेंसी NIA की टीम पर हमला किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशानुसार NIA टीम शनिवार को जांच के लिए पहुंची थी। आरोप है कि जांचकर्ताओं की कार में तोड़फोड़ की गई। बता दें कि 3 दिसंबर 2022 को भूपति नगर में एक कच्चे घर में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में जांच NIA को सौंप दी गई थी।
लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण और दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार अब प्रचार में जुट गए हैं। इन सबके बीच इन दिनों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में एक दिलचस्प बात देखने को मिल रही है। दरअसल इन दिनों रमजान चल रहा है और उन जगहों पर जहां मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में है और रोजे रख रहे हैं, वहां प्रचार का तरीका बाकी जगहों से अलग दिख रहा है। यही नहीं, ऐसी जगहों पर प्रत्याशियों को अपने खाने, जनसभा के समय और भाषण में भी बदलाव करना पड़ रहा है। रोजे में होने की वजह से मुस्लिम प्रत्याशी धूप में घर घर जाकर प्रचार करने की जगह इंडोर मीटिंग्स कर रहे हैं। यदि कहीं पर उन्हें दिन के दौरान प्रचार के लिए बाहर जाना भी पड़ता है तो ऐसी जगहों पर खुले में लोगों को संबोधित करने की जगह तंबू या टेंट में मिल रहे हैं। इसके अलावा वो छोटी सभाओं के साथ नुक्कड़ बैठकें भी कर रहे हैं। कई उम्मीदवार शाम को मस्जिदों में जा रहे हैं। मुरादाबाद सीट से बसपा के उम्मीदवार मोहम्मद इरफान सैफी कहते हैं कि रमजान के दौरान मस्जिदों में लोगों से मिलना आसान होता है। वह अभी ज्यादातर प्रचार शाम को मस्जिदों में जाकर कर रहे हैं।